बड़ा मंगल है। तो मैं नया कपड़ा ले लिया हूँ, तो मैं रेडी हो गई। देखिए मैंने अपने हाथ का कि आज मैं किसके साथ जा रही हूँ। बहुत अंदर धड़ा लगी है, तो पूजा की तैयारी शुरू। अरे हमारा कलेजा सब। तो देखिए मैंने भी अपने लिए वही चावल। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार से है। आज बड़ा मंगल है और मेरे यहाँ भंडारा है, तो सुबह से सभी लोग उठ गए, सारी तैयारियाँ चल रही है। मैं अभी घर पे हूँ, मैंने देखिए घर में अपना पूजा कर लिया। और आप सब भी हनुमान जी का जयकारा लगा लीजिए। मैं आप सब की अर्जी अपनी तरफ से लगाऊंगी, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी हनुमान जी के सामने दुआ करूंगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली स्वस्थ रहे। और आप सब जितना स्वस्थ रहेंगे उतना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। जेठ का बड़ा मंगल है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले देखिए मैंने पूजा कर लिया है, क्योंकि मैं भी तैयारियों में लगी थी, मुझे भी जाना। आज मुझे अपनी गंदगी मचाए पड़े हैं। अभी कालीन दिखा रही सिंजो, छुप गए सिंजो। ये देखिए जा रहे, ये देखिए भगे सिंजो भग गए ना। मैंने आज यही एक बेड सही कर दिया है और सिंजो का झाड़ के नीचे गिरा दिया। अभी कालीन दी आएंगे तो साफ करेंगे। कामों में मैं उलझूंगी नहीं, अगर उलझ जाऊंगी तो वहाँ लेट हो जाएगा। तो बस चलिए मैं अपने लिए फटाफट चाय बना लेती हूँ एक कप, और चाय पी लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ। डिब्बा खा ले। मैं लूंगी चाय के साथ ही कोकोनट बिस्किट। ये मेरी चाय बन रही है, मजेदार सी चाय। प्रभु यहाँ आओ, बताओ क्या हो रहा है वहाँ। आ चुके हैं, मैं देखती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। अभी प्रभु अपडेट देंगे। ये लाइट पड़ जाती इधर से गाइस, आप सब बताएं, कोई तरीका बताएं, ये लाइट पड़ती, मैं परेशान हूँ। मैंने सुबह सुबह ये टिफिन निकाल लिया है, मैंने धुल के इनको लगा दिया है, क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में आते हैं घर पे, मैंने स्टेटस लगा दिया है, जो नहीं समय पे आ जाएंगे कम से कम उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा, मैं दे दूँगी। मेरा बेटा और हस्बैंड प्रभु, ये लोगों ने कुछ भी नहीं लिया है, ये लोग पूजन के बाद लेंगे। मैं इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि मैं मरीज हूँ थोड़ा पेट की, और मुझे गैस भी बहुत बनता है और माइग्रेन भी पकड़ लेता है उसके वजह से। तो मेरा चीज़ ख़राब हो जाए तो इसके लिए बाबू ने बोला और इन्होंने कि तुम अपना ले लो, हम सब पूजा करा लेंगे। देखिए भजन कीर्तन चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। आपको देखिए इनको सौंप दिया है, तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा बजाती हूँ, मेरी कोशिश है कि मुझे जल्दी आ जाए। मेरा तैयार हो गया चाय, मैं चाय लेने के बाद मिलती हूँ। हाँ, अच्छा तैयारी हो रही है, चलिए ठीक है, सब लोग हैं, चलिए ठीक है। तो मैं नया कपड़ा ले लिया हूँ, और ये रही मेरी मॉम। तो मॉम से पूछते हैं, मॉम मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा बेटा। हाँ बहुत अच्छे लग रहा हूँ। और ये कपड़ा किसने लिया हूँ, कोई पता है? आज भंडारा था। हाँ। और प्रभु ने कहा कि भंडारा करने को प्रभु का भी मन था, सबका मन था, तो भंडारा हुआ। प्रभु ने कहा मुझे कपड़ा लेना चाहिए, तो भाई कपड़ा ले लिया। हाँ तो अभी तो अभी बन रहा है खाना वाना, तो अभी चलेंगे। हाँ वहाँ का दिखाओगे? हाँ वहाँ का अभी दिखाएंगे, तो आप आएंगी? तो अभी तो आना थोड़े है, आएंगे। हाँ काम करा लें, दवा ले लें। हाँ ठीक है, बाकी वहाँ तैयारी चल रही है, बता दो। हाँ मेरे दांत का दर्द अभी गया नहीं है, दर्द हो रहा है इसलिए मेरा पेट भी नहीं भरता खाने से, और रात में भी देखिए मैं खा नहीं पाई, मैंने छोड़ दिया। इसमें इतनी तेज है कि पूछे मत कुछ। अभी ऐसे ही पहनती हूँ, देखती हूँ क्या पहनूंगी, मैं निकालती हूँ। हाँ गाइस, मैं प्रभु जो कुछ भी अगर बोल रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा उनका भी मन करता है और बोलते हैं, तो प्लीज़ आप सब कमेंट करें और उनका मनोबल बढ़ाएं कि हाँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें भी शौक है और किसी का भी भला हो जाए इससे, वो आगे अपना चैनल बनाना चाहता है। और मेरे लिए कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्चे के लिए ज़रूर आप सब बताएं कि कैसा बोला, किस तरह से बोला। आप सब कहेंगे ना कि हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसको भी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा हिचकता है, सोचता है मैं अच्छा कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा, मेरे लिए तो मैं हर किसी के लिए खड़ी रहती हूँ। मेरा नेचर है कि मैं
सबका मनोबल बढ़ाती हूँ मैं, सबको प्रोत्साहित करती हूँ। कमेंट करके बोलेंगे कि प्रभु अपना ब्लॉग बनाओ तो शायद उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाए। वैसे तो मैं बहुत उनको समझाती हूँ कि अगर शौक़ है और करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं आप सबकी राय जानना चाहते हैं। लूँगी अब दवा, तो मैं आ गई अब ड्रेसिंग टेबल पर। ड्रेसिंग टेबल पर इसलिए आ गई कि थोड़ा मैं अभी फ्री थी, मुझे जाना भी था और गर्मी बहुत पड़ रही है और स्किन का केयर करना भी बहुत ज़रूरी था। मैं थोड़ा सा लापरवाही मैंने किया है और किया इसलिए किया है कि थोड़ी व्यस्तता हो जाती है तो मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ, अपने लिए गाइज नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो इस वजह से मैं एकदम से आके खड़ी हो गई कि चलो कोई नहीं है। तो थोड़ा पहले सबसे पहले मैंने टोनर का यूज किया और टोनर को करने के बाद फिर मैंने फेस सीरम लगाया, सीरम को भी टैप टैप कर लिया। उसके बाद मैं फेस ऑयल के साथ वो सीसी क्रीम मैं लगा रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मुझे बाहर निकलना, नहीं तो मैं मॉइस्चराइजर ही क्यों यूज करती हूँ। मैं कोई क्रीम घर पे कभी भी नहीं लगाती हूँ, ऐसे कहीं जाना होता तभी मैं यूज करती हूँ और एकदम सही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया, थोड़ा सा आईलाइनर लगा लिया, क्योंकि दो चीज़ का तो मुझे बहुत शौक़ है, एक लिपस्टिक एक आईलाइनर का मुझे बहुत शौक़ है, जबकि अब आँखों से उतना अच्छा दिखता नहीं, फिर भी मैं कोशिश करके लगाती हूँ शीशे के आगे खड़ी हूँ। तो मैं रेडी हो गई, देखिए मैंने अपने हाथ का बना सूट पहना है और समर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, काटन फैब्रिक है और इसके प्रिंट भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं पूरा अपना चलती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ और मैं लाइव आ रही हूँ। आज कितना भजन चल रहा हो, मैंने ये कलर इसलिए आज सोचा कि गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत है, तो थोड़ा ग्रीन कलर कूल कलर है तो इसी वजह से मैं पहनी उसको। चलिए फ़ोन भी आ गया, अब चल रही हूँ। चलिए रेडी हो गई, सामान लेके चल रही हूँ। संजो है, संजो घर का ध्यान रखेंगे, संजो घर का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ प्रसाद लेके। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं गाड़ी में बैठते जल गई। और देखिए आज मैं किसके साथ जा रही हूँ, बहुत दिनों बाद आपको दिखाती हूँ कि देखिए मैं अपने हस्बैंड जी के साथ बहुत कम निकल पाती हूँ, ये मौका बहुत कम मिलता है, थोड़ा बिजी रहते हो। तो चलिए चलती हूँ, आप सभी को मिलती हूँ मंदिर। बहुत ज़्यादा धूप है, सॉरी भंडारे में। मेरी गोद में है ये पूजा का सामान, वो बहुत ज़्यादा आप सबसे बातें करूँगी तो शायद थोड़ा गर्मी कम लगे, गाड़ी एकदम पूरी तरह से हीट है। विष्णु के दुकान पे बहुत दिनों बाद आज दिन बाद आया ना, ये है विष्णु, इनका सामान बहुत अच्छा होता, मैं यहीं से ले जाती हूँ। तो सब लोग आ गए विष्णु के यहाँ इतने दिनों बाद, क्यों विष्णु? और विष्णु की बेटी है, हाय बोलो। तो मैं आ गई बेटे के मदद में यहाँ, मैंने कहा पहले बेटा वहाँ बैठा था, मैंने कहा बेटा थोड़ी देर तुम हट जाओ और तुम उधर देख लो, मैं इधर देख लो। तो उसे मेरे यहाँ बहुत लोग हैं एक सब काम करने के लिए, मैंने कुछ प्रसाद वितरण करवाया, उसके बाद मैं भी आके लाइन में लग गई प्रसाद लेने का, मैं हस्बैंड के साथ है, मैंने बोला चलिए इधर से प्रसाद लेते हैं और इस तरह से प्रसाद लेने में अलग ही आनंद आता है। तो देखिए हम लोग को मिल ही गया, थोड़ा सा लाइन बहुत लगी है लेकिन मैं भी चिल्लाती रही भैया पहले मुझे, भैया पहले मुझे, चलिए मिल ही गया प्रसाद। तो उधर से जो मैं प्रसाद लेके आई थी इन बच्चों में भी वितरण कर दिया, कुछ बच्चे यहाँ खड़े थे तो मैंने बच्चों को भी दे दिया कि लो तुम लोग भी खा लो, मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा प्रसाद, फिर मुझे घर भी निकलना है। अपने बच्चों के लिए मांग के लाए थे। अच्छा यार।
लोग तो अभी काफी लेट तक चलने वाला, सुन लो अकेले तो मदर चलो मैं और बात कर इसीलिए भाग के आए मेरे सिंजो को देखे ला रही बाबू ला रही चावल ला रही प्रसाद आया भूखे थे अरे हमारा करेजा सब तो रख के गए थे खाली चावल ही तो नहीं दिए थे तो आज वहाँ पूजा था ना बेटा मंदिर से तुम्हारे लिए वहां से पूजा करा के लाए गुच्छू तो गाइज वहाँ पे भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा लाइट ऑन कर देती हूँ और टाइमिंग कुछ ऐसा था बड़ा अच्छा लगा और प्रसाद अभी चल रहा है मैं सिंजो की वजह से ले रही हूँ अभी बज रहा 3:15 हो रहा तो अच्छा लग रहा था वहाँ बहुत अच्छा लगा है और बस मैं भी कुछ खा लूँ अभी तक मैं कुछ खाई नहीं बूंदी वहाँ देखिए मैंने भी अपने लिए वही चावल और छोले ले लिया है मैं वहाँ से लेके आई थी और खाने के बाद आपसे मिलती हूँ यही प्रसाद में था चावल छोले और बूंदी बहुत ही यम्मी है प्रसाद तो सच में प्रसाद जब भी होता है तो बहुत टेस्टी होता है पिछले मंगल को पूरी सब्जी आई थी इतना टेस्टी हो गई था मैंने आप सबको दिखाया था खाने के बाद मिलते हैं प्रसाद ग्रहण कर लिया अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि बहुत थकी हूँ रात में भी लेट में सोई थी और सुबह बहुत जल्दी उठी थी आग बहुत तेज देखे एकदम थका थका लग रहा ना फिर मिलती हूँ आप सबको थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 4 बजने वाला 4:15 हो रहा